एरिया है जो जो आपका कथित रूप से मलिक का बगीचा कहा जाता है। ये जो फुटेज ली गई है, ये जब 30 तारीख को नोटिसेस दिए गए थे इंक्रोचमेंट के लिए, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के अंतर्गत, उस समय के फुटेजेस हैं। और इसमें आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये जो छतों का क्लोजअप है, इन छतों पे किसी भी प्रकार के 30 तारीख के दौरान कोई पत्थरों की बहुत बड़ी संख्या में मात्रा जमा नहीं दिखाई दे रही है। ये 30th जब नोटिसेस सर्व करे गए थे इस एरिया में जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, उस वक्त के फुटेजेस हैं। इसमें जो छतें आपको दिखाई दे रही हैं वो एम्प्टी हैं, उनमें कोई बड़ी भारी मात्रा में पत्थरों का जमाव नहीं है। इसको बंद कर दो। अब आप नेक्स्ट फुटेजेस पर आ जाओ, एक एक करके सब चलाते जाओ। इसको हटा दो, चला लो इसको पूरा चला लो। ये वो फुटेज है जब फर्स्ट टाइम आगजनी शुरू करी गई, जब पहली गाड़ी या पहली बाइक को आग लगाई गई है। ये उस वक्त की फुटेज है। ये पूरा जो है उस वक्त तक का ड्रोन से वीडियोग्राफी वगैरह करी जा रही थी और ये फर्स्ट टाइम, तब तक कंप्लीटली पीसफुल चल रहा था। ये लगभग डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के आधे घंटे बाद का इमेज है। नेक्स्ट, इसको बंद करो। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट टाइम की आगजनी की फोटो है, जब फर्स्ट आगजनी हुई थी। ये थोड़ा सा क्लोजअप व्यू है, वो दूर से था। इसको बंद करो, नेक्स्ट ले लो। इसको पूरा चला दो। क्या करो, इसको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ ना तो कोई पुलिस फोर्स किसी को प्रोवोक कर रही है, किसी को भड़का नहीं रही, किसी को मार नहीं रही, किसी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ना पुलिस की टीम। ये आप मॉब देखेंगे, ये वो मॉब है जो पहली बार इकट्ठा होना उस गली में शुरू हुआ जब आगजनी शुरू करी गई। जो पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस है जो शुरू किया गया, उस वक्त ये मॉब इकट्ठा हुआ अचानक से। ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के 45 मिनट्स बाद की फुटेजेस हैं। परिसंपत्तियों का जो नुकसान हुआ है, परिसंपत्तियों के नुकसान में मुख्य रूप से जो थाना है वो कम्प्लीटली डैमेज हुआ है। थाने में हालांकि किसी को घुसने नहीं दिया गया, उसको सेव किया गया, लेकिन उसके जो खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ जो फर्नीचर है, वहाँ जो अन्य सामान है, इवन पीछे से मॉब के द्वारा हथौड़े और गन से भी उसको तोड़ने की कोशिश करी गई थाने को, तो वो एक नुकसान है। उसके अलावा जितने भी हमारे व्हीकल थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी गाड़ियां थी, वहां पर जो नगर निगम की जेसीबीज थी, वहां जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन बाइक्स और व्हीकल्स के माध्यम से वहां गए थे, उनको जलाया गया है। कुछ सार्वजनिक बसें वगैरह भी जलाई गई हैं। तो मीडिया कर्मियों की, वही मैं ऐड कर दे रही हूँ, मीडिया कर्मियों की बाइक भी वहाँ पर जली हैं। मीडिया कर्मियों को वहाँ चोट भी लगी है और मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ, सबके साथ है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना कहीं घटित हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी हैं, सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लिया जाएगा। ये कम्युनल नहीं था, इसको कम्युनल ना बनाया जाए, इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए। किसी भी दूसरे कम्युनिटी ने या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ना तो रिटेलिएट किया इस चीज को लेकर, ना ही कोई ऐसा जो है धार्मिक जो है सिंबल्स जो है उनको प्रथम बार अटैक किया गया। एक घटना हमारे सामने जरूर, एक मंदिर के सामने आगजनी की आई, लेकिन वो छुटपुट घटनाएं हैं। ये स्टेट मशीनरी को चैलेंज करने की कोशिश थी, राज्य सत्ता को और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश थी। इसको इसी के रूप में देखा जाए, इसी के रूप में निपटा जाएगा। हम लोगों को
हम लोग असेसमेंट करा रहे हैं सभी परिसंपत्तियों का, शाम को फिर ब्रीफिंग करेंगे, जो भी अपडेट शाम तक की होगी आपको दी जाएगी और हम आपको ब्रीफ करते रहे। देखो अभी वर्तमान में शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, हमारी प्राथमिकता हल्द्वानी शहर में संवेदनशीलता को कम करना है, किसी भी प्रकार के मैटर को सेंसेशनलाइज करने की हमारी अभी प्राथमिकता नहीं है। कर्फ्यू सब पर लागू होता है, आपसे मैं सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। यदि दोपहर तक स्थिति सामान्य रहती है, किसी भी प्रकार का कोई और लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, हम आप सबको अलाउ करेंगे। हमारी मंशा आपको रोकने की नहीं है, आपकी सुरक्षा की है। कल रात जो पत्रकार वहाँ गए थे उन पर काफी चोटें आई हैं, एक पत्रकार को मैंने हॉस्पिटल में जाके पर्सनली देखा, हेड इंजरी थी। तो पत्रकारों की सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है, इसी के लिए आपकी सुरक्षा को देखते हुए आपसे मैं समझदारी की अपेक्षा कर आपको हम असेसमेंट करके आफ्टरनून तक का, अगर हमें सही लगेगा तो वी विल अलाउ यू, अगर हमें आपके लिए सेफ लगेगा तो वी विल अलाउ यू, हम लोग आपको रोकना नहीं चाहते।